हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, सभी स्टेट स्टूडेंट्स को मेल कांस्टेबल जीडी का जो रिजल्ट का इंतज़ार था वो पूरा हो गया है। जी हां, बिल्कुल आज अभी आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। देखिए, जो एग्ज़ाम 31, 1 और 2 तारीख को था उसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। रिटर्न का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और PST के लिए बुला लिया गया है। देखिए, लगभग जो है आपको 7 से 8 गुना बच्चों को जो है यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया है, जिसकी जो लिस्ट है वो यहां पर है, जो मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। आप अपना रोल नंबर जो है वो सर्च कर लेना भी कितने पर किसका हुआ है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, लगभग 50 क्वेश्चन वालों का आपको जो है लिस्ट में नाम मिलेगा। जी हां, बिल्कुल 40-45 जर्नल की बता रहा हूं मैं, जर्नल 40-45 पे नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा फंडा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है थोड़ी ही लिस्ट जो है 50 के करीब आपको देखने को मिले। वैसे मैं आपको थोड़ी देर में, बिल्कुल जैसे स्टूडेंट्स के जो हैं कमेंट्स आते हैं, उस आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है, या फिर किस मतलब आपकी 31 तारीख को कितने पे कट ऑफ गई है, एक पे कितने पे गई है। लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि कुछ 31 तारीख वाले बच्चों का जो है वो कम क्वेश्चन में हो रखा है और 1 और 2 वालों का जो है ज़्यादा में भी नहीं हो रखा है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और थोड़ी देर में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगा कि कितने पे कट ऑफ गई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं बता देता हूं आपको, आपका जो फिजिकल है वो 17 से 28 तारीख को शेड्यूल कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल 17 से 18 तारीख तक आपका जो है क्या रहेगा भी, फिजिकल जो है वो रहने वाला है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी कट ऑफ को लेकर। मैं अब से लगभग 1 से 2 घंटे बाद कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं जो है आपको 31, 1 और 2 हर चीज़ की जो है कट ऑफ देने वाला हूँ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।